देखिए आज हम आपको दो तरह की चटनी बनाकर दिखाएंगे। देखिए ये हमने नारियल की चटनी बनाई है, देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसमें हमने तड़का लगाया है। ये हमने पीनट की चटनी बनाई है, इसमें भी हमने छौंक लगाया, कितनी अच्छी बनी है ये भी। हमारी दोनों चटनी हमारे कितने अच्छे से तैयार हो गई हैं। आज हम बना के दिखाते हैं कि कैसे बनती है। नमस्कार दोस्तों, कंसलोसर में आपका स्वागत है। आज हम आपको दो तरह की चटनी बनाकर दिखाएंगे, जो डोसे के साथ खाई जाती है, इडली के साथ खाई जाती है। ये हमने देखी एक कटोरी की मूंगफली की गिरी ले ली है, इन्हें हम भूनेंगे। हम इन्हें भून कर इनका छिलका उतार लेंगे। देखिए सभी मूंगफली गिरी भून ली है हमने और इनका छिलका उतार लिया है, देख सकते हैं। और हम इन्हें जार में करेंगे। नमक डालेंगे इसमें, ये सेंधा नमक है। आधी चम्मच हींग डालेंगे, इसमें हरी मिर्च डालेंगे दो, इसमें गोला डालेंगे, गोले की खा, ये दूध वाला गोला है हमारा, ताजा गोला। इसमें दो हरी मिर्च डाल देंगे, ये लाल लाल मिर्च डाल दी हमने। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर में पीस लेंगे। ये लाल हरी मिर्च तुरंत डाल दी है, हम थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे, ये बहुत अच्छा पेस्ट आता है। दो गुड़के हम प्याज के डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हम पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हमारी चटनी का। अब इसमें हम थोड़ा सा इमली का पल्प डालेंगे, ये हमने पहले से तैयार करके रखी है। देखिए दो चम्मच इमली का पल्प डाल दिया है, ये हमने भिगोकर गर्म पानी में और इमली का पल्प तैयार कर लिया है, ये हमने दो चम्मच डाल दिया है। अभी से पीसेंगे। ये कितनी स्मूथ चटनी पीस के हमारी तैयार हो गई है। ये हमने एक बाउल में कर दी है और इसमें हम छौंक लगाएंगे। देखिए इसमें ऑयल डालेंगे, देखिए अब इसमें हम राई डाल देंगे, आधी चम्मच हींग डाल देंगे। देखिए अब हम छौंक को अपनी चटनी में लगा देंगे। देखिए हमारी चटनी कंप्लीट हो गई है, कितनी अच्छी चटनी बनी है हमारी। अब हम दूसरी चटनी बनाएंगे, जो डोसे के साथ खाते हैं, आप इसे इडली के साथ खा सकते हैं। ये कितनी टेस्टी चटनी बनी है। देखिए हमारे चने की दाल ले ली है, हमने भिगो कर रख दी थी 2 घंटे के लिए, देखिए बिल्कुल गल गई है, भीग के अब हम इसे भूनेंगे। देखिए हमारी दाल भून के तैयार हो गई है, हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर मिक्सी में डालेंगे। देखिए हमारा पानी वाला गोला है, ये हमने छील के दोनों तरफ से छील के उतार ली है, ये कट कर लेंगे। हम नारियल की चटनी बनाएंगे, डोसे में बहुत अच्छी लगती है। इसकी सब छौंक कर लेंगे और मिक्सी ग्राइंडर में पीसेंगे। देखिए दो हरी मिर्च डालेंगे, अपनी चने की दाल डालेंगे, देखिए 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे इसमें, यही सादा नमक है। आधी चम्मच काला नमक डालेंगे, देखिए हमने नमक ऐड कर दिया है। इसमें अब हम इमली पल्प डालेंगे खट्टा करने के लिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 3 से 4 चम्मच इमली पल्प डाल देंगे और मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। इतना स्मूथ पेस्ट बन गया है। और इसमें आधी चम्मच हम चीनी ऐड करेंगे, ये सीक्रेट है, ये सिर्फ हम डालते हैं क्योंकि खट्टी मीठी चटनी हमें डोसे के साथ अच्छी लगती है, तो इसलिए हम चीनी डालते हैं थोड़ी सी। इतना स्मूथ पेस्ट बन गया है, कितनी अच्छी नारियल की चटनी बनकर तैयार हो गई हमारी। अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हम छौंक लगाएंगे, हमने 1 चमचे में तेल ऑयल रख दिया है गर्म करने के लिए।
देखिए इसमें राई डालेंगे हम। और हींग डालेंगे आधा चम्मच। देखिए इसमें हरी लाल मिर्च और करी पत्ता डाल देंगे। देखिए इसमें छौंक लगा देंगे हम। हमारी चटनी जा रही थी, हमें दो जगह कर ली है। देखिए चटनी दो चीज में कर ली हमने, हमारी चटनी ज्यादा थी। देख कितनी अच्छी चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है, देख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह हमारी चटनी दोनों तैयार हो गई है। अब देख सकते हैं इसका व्हाइट कलर आ है नारियल चटनी का। ये हमारी पीनट चटनी है, डोसे के साथ, इडली के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी एक बार ट्राई करके जरूर बनाइएगा और खाइएगा। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।